नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज 14 फरवरी बाजार कपल के लिए उत्पाद बेच रहा है। सवाल तो ये है कि गुलाबों में लिपटी रोमानियत के बीच क्या हमें पुलवामा की याद है या नहीं है। आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत दी थी। श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर अवंतीपोरा इलाके के लाटू मोड़ पर जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला किया था। 76वीं बटालियन की बस से आरडीएस से भरी कार टकरा दी गई थी। धमाका इतना तगड़ा था कि पल भर में बस के परफक्चे उड़ गए थे और जम्मू कश्मीर हाईवे पर 100 मीटर के दायरे में बिखरे छत विछत शवों की तस्वीर किरचों की तरह दिलो दिमाग में जा धंसी थी, जिसकी पहचान कश्मीर में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाले इलाके की थी। इस आतंकी वारदात ने उसकी पहचान खून से लथपथ कर दी थी। इसी के तत्पश्चात ही पुलवामा हमले को देखते हुए पीएम मोदी ने संसद में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि कश्मीर में खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। पुलवामा के शहीदों का बदला ठीक उनकी 13वीं के दिन लिया जाएगा। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को सर्जिकल स्ट्राइक में तहस नहस कर दिया गया था। आज के दिन उन जवानों की शहादत के लिए इंडियन प्राइम न्यूज की टीम उन्हें कोटि कोटि नमन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।